हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह. हमारे जो अभी पेडागोजी के टॉपिक चल रहे हैं सारे के सारे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी से रिलेटेड, जो भी आपके केवीएस और बाकी सीटेट वगैरह एग्जाम्स है, ऑल ओवर यही चीज़ें, आपका सेकंड पार्ट 100 मार्क्स का जो आता है वो इसी से रिलेटेड आता है, आपका पेडागोजी और साइकोलॉजी में. ठीक है, तो उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो आपका है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ. अब पहले बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं. आप अपनी सोसाइटी, घर में या स्कूल में, कहीं पर भी आप जाते हैं, कोई फंक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, आप बाकी लोगों को अपने अलावा देखते हैं, क्या वो आपकी तरह सेम होते हैं? सारे सेम नहीं होते ना, हर चीज़ में वो क्या है, डिफरेंट आपको मिलेंगे. क्या है वो, कलर में हो, हाइट में हो, या फिर बात करने का तरीका हो, या फिर उसकी बाकी क्वालिटीज़ हो, सब चीज़ में क्या है, आपको हर कोई डिफरेंट मिलेगा. क्या उसकी अचीवमेंट्स हो, कोई आपको डॉक्टर मिलेगा, कोई इंजीनियर मिलेगा, कोई टीचर मिलेगा, कोई आपको लेबर कैटेगरी जो मजदूरी करते हैं वो भी हो सकते हैं. आप सब चीज़ें क्या होती हैं, सबका कलर डिफरेंट होता है, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, किसी का गेहूं का कलर होगा, ये सारे कलर्स में चेंज आ गए. ठीक है, किसी के आईज़ का कलर आपको ब्लैक मिलेगा, किसी को ब्राउन मिलेगा, तो ये सारे डिफरेंसेस आ गए. तो ये सारे डिफरेंसेस जो होते हैं वही क्या होते हैं, वो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते हैं, यानी कि हर किसी व्यक्ति के अंदर, हर किसी ह्यूमन बींग के अंदर अपनी क्वालिटीज़ होती हैं अलग अलग, और अपनी जो डिफरेंसेस होते हैं वो सब में अलग अलग होते हैं, कोई भी दो लोग सेम नहीं होते हैं. आपने वो भी सुना होगा कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, आप कभी भी नोटिस करना, जुड़वा बच्चे अगर शक्ल, सूरत और बाकी चीज़ में सेम होंगे ना, तो वो कभी बिहेवियर में सेम नहीं होंगे, उनकी अचीवमेंट सेम नहीं होंगी, उनके बात करने का तरीका सेम नहीं होगा. वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए. तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि शक्ल सूरत सेम है तो मतलब वो लोग सेम हो गए, उनके अंदर कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बेसिक जो मतलब है वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है और जन्म तक भी, मतलब जब तक वो मरता नहीं है, तो हर किसी के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, क्या है वो आपके फिजिकली हो, इंटरनली हो, इमोशनली हो, वो सब में डिफरेंट होते हैं. क्या है वो जुड़वा बच्चे भी होंगे तो उनकी शायद फिजिक्स सेम हो सकते हैं, लेकिन इमोशंस अलग अलग हो सकते हैं, बात करने का तरीका अलग हो सकता है, एक टॉपिक पे उनके एक्सप्रेशन अलग हो सकते हैं, रिएक्ट करने का तरीका अलग हो सकता है, अपने इमोशंस की फीलिंग जो, मतलब जो भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, वो अलग हो सकती है. ठीक है, वो होते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं. ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब आपको कितने टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. अब बातों ही बातों में अभी मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए कि फिजिक्स डिफरेंट होती है, इमोशंस डिफरेंट हो सकते हैं, अचीवमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं, एक तरह से टाइप है कि हर व्यक्ति जो अपने आप में डिफरेंट होता है, जो अचीवमेंट्स और बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो अपने आप में जब डिफरेंट होता है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं. तो अब उसको डिस्कस करते हैं. इसमें टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइप है आपका फिजिकल डिफरेंसेस, यानी कि शारीरिक विभिन्नता है. शारीरिक विभिन्नता में आपके क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अगर आप किसी को इंटरनली नहीं जानते हैं, आप मेट्रो बसेस वगैरह में बाकी लोगों को अपने आसपास खड़ा हुआ देखते हैं, तो आप उसको फर्स्टली कैसे जज करते हैं कि वो आपसे डिफरेंट है, उसको देखकर करते हैं ना. इंटरनली तो आप नहीं जानते कि उसका नेचर कैसा है, बात करने का तरीका क्या है, तो आप उसको कैसे जज करते हैं कि वो आपसे डिफरेंट है, क्योंकि उसके कलर्स का वो, सॉरी, उसका फेस कलर डिफरेंट होता है, उसका हेयर कलर डिफरेंट होता है, उसका आई कलर डिफरेंट हो सकता है, स्किन कलर डिफरेंट हो सकता है, उसकी हाइट डिफरेंट हो सकती है, एज में फ़र्क आ सकता है. तो ये क्या हो गए, ये सारे आपके फिजिकल डिफरेंसेस हो गए कि आपका हो सकता है बहुत गोरा रंग हो, आपके सामने जो खड़े हैं 5-6 लोग, उनका किसी का गोरा हो, किसी का काला हो, किसी का सांवला हो, डस्की कलर हो, उनकी एज में भी डिफरेंस हो सकता है, उनके जो हेयर कलर है उसमें भी डिफरेंट हो सकता है, साइज़ में भी डिफरेंट हो सकता है. तो ये सारे कौन से डिफरेंसेस आ गए आपके, ये आपके आ गए फिजिकल डिफरेंसेस, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में.
पहला पॉइंट, जो बच्चे अपने आप में हर किसी से अलग होते हैं वो फिजिकल रूप से होते हैं, मतलब शारीरिक रूप से होते हैं, जिसमें सभी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप है आपका इंटेलिजेंस डिफरेंस, यानी कि बुद्धि में विभिन्नता। अब बात आती है इंटेलिजेंस की। जब मैंने आपको इंटेलिजेंस का चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था, तो उसके अंदर हमने आईक्यू लेवल की बात करी थी, राइट। तो आईक्यू लेवल में मैंने क्या बताया था कि हर किसी का आईक्यू लेवल क्या है, डिफरेंट होता है। अब जो इंटेलिजेंस है यानी कि बुद्धि है, वो आप अपनी हेरिडिटी और जीन्स के अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स से लेकर पैदा होते हैं, लेकिन अपने एनवायरमेंट के थ्रू आप उसमें 1-2% का डिफरेंस कर सकते हैं, कि आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके साथ कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए कि एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो वो शायद कम भी हो सकता है। मतलब आप किसी डिप्रेशन में चले गए तो आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, कम हो गया, काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो वो सारी कंडीशंस भी आपके साथ आ सकती है। तो हमने जब आईक्यू लेवल पे बात करी थी, तो आईक्यू लेवल में क्या था कि जो नॉर्मल वाले बच्चे थे उनका 70 और 90 वाले बच्चे रखे थे हमने, और जो बिल्कुल नीचे वाले थे, जो बिल्कुल जड़ बुद्धि बालक और वो थे, वो 0 से 20 वाले थे, और बिल्कुल सुपीरियर वाले जो बच्चे थे वो 120 और 120 से एबव वाले थे। तो हमने इन तीनों कैटेगरीज को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल अपने आप में डिफरेंट होता है। अब ज़रूरी तो नहीं ना जितनी स्पीड से मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं किसी चीज़ को सीख रही हूँ, तो मेरे से लर्न करने वाला बच्चा जो मुझसे लर्निंग कर रहा है वो भी उतनी स्पीड में सीख पाए। क्या पता उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उसको 1 सेकंड लगेगा बस वीडियो फटाफट आगे करी, पॉइंट्स देखे, और उसको पता है कि हाँ मुझे इसके अंदर क्या चीज़ें करनी है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, तब भी उनको समझ नहीं आएगा, उनको और एग्जांपल्स 2-3 बार वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी। और कुछ बच्चे नॉर्मल भी होंगे जिन्होंने एक बार में पूरी वीडियो देखी, एक्सप्लेनेशन सुनी, और उसकी समझ में आ गया कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। वो हो गए आपके एज़ पर आईक्यू लेवल के डिफरेंसेस, कि आपका जितना आईक्यू लेवल है, जितना इंटेलिजेंस लेवल है, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या है काम करोगे। तो ये जो इंटेलिजेंट है हर किसी के अंदर अलग होता है। आप क्या पता अपने किसी एग्ज़ाम में 40 मार्क्स अचीव कर रहे हो सेम में, लेकिन आपकी फ्रेंड उसी सेम एग्ज़ाम्स में 80 मार्क्स अचीव कर रही है, तो ये क्या हो गए, सोचने समझने की शक्ति अलग हो गई ना, प्रेजेंटेशन की शक्ति अलग हो गई। उसको शायद बहुत ज़्यादा सुपीरियर बच्ची रही होगी, कि उसको और क्वालिटीज़ हैं, क्रिएटिव है, उसको पता है कि अपने शब्दों को कैसे लिखना है, क्या चीज़ इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करनी है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, 1 बुक नहीं 10 बुकों से पढ़ सकती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये इंटेलिजेंस पे आपकी डिपेंड करती हैं, कि आपको हर एक बंदे को जो व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में इंडिविजुअल करता है, अलग करता है, भिन्न करता है, वो आपका इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग भी हम उसमें डिफरेंसेस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एटीट्यूड डिफरेंट, यानी कि दृष्टिकोण में विभिन्नता। अब दृष्टिकोण में यानी कि एटीट्यूड में कैसे डिफरेंसेस आ सकते हैं, हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हर किसी के सोचने की समझने की क्या है शक्ति अलग अलग होगी, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा किसी बात को लेके। कोई या कोई मेरी जो वीडियो सुन रहा है, कोई शायद इस पे ज़्यादा फोकस्ड हो कि मैम जो पढ़ा रही हैं उसको समझना है, क्योंकि अभी KVS का एग्ज़ाम आने वाला है। कोई बच्चा ये चीज़ इस चीज़ को छोड़ के राइटिंग पे फोकस्ड होगा कि मैम की राइटिंग कितनी ख़राब है, अच्छा नहीं लिखती। तो हर किसी चीज़ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी बंदे का। ज़रूरी नहीं है अगर मैं आपके सामने किसी बच्चे के सामने खाली आधा ग्लास भरा हुआ रख दूं तो हर बच्चा उसको आधा भरा हुआ ही देखे। कोई बच्चा हो सकता है उसको आधा खाली भी देखे कि मैम नहीं ये तो आधा खाली भी तो है, हो सकता है ना, ये चीज़ है, ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है। आप जिस पॉइंट पे किसी चीज़ के अकॉर्डिंग सोच रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ्रेंड भी उसी के अकॉर्डिंग सोचेगी। मार्केट में आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए, शायद आपको जो ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, आप बिल्कुल हेट कर रहे हो उस कलर को, उस ड्रेस को, हो सकता है वो ड्रेस किसी की इतनी ज़्यादा फेवरेट हो कि उसका वो फेवरेट कलर हो, उसकी वही चॉइस हो, तो वो क्या आ गया, वो उसके एटीट्यूड के हिसाब से उसकी डिफरेंशिएट आ गई, ठीक है। तो इसीलिए एक चीज़ को लेके हर किसी का दृष्टिकोण या एटीट्यूड अलग होता है। आपको नहीं पता कि एक पॉइंट पे किसी के टूवर्ड्स क्या पॉइंट्स होंगे, क्या उसके व्यूज़ होंगे, ठीक है।
उसके बाद आता है कास्ट एंड नेशन, यानी कि जाति तथा राष्ट्रीय में विभिन्नता। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर कोई बच्चे का जो फ़र्क पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, वो हमारी कास्ट और नेशन का भी पड़ता है। वो क्यों पड़ता है? जैसे साउथ इंडियंस होते हैं और यहाँ के हमारे नॉर्थ इंडियंस हो गए, तो इनमें क्या है फ़र्क देखने को मिलेगा? क्या फ़र्क देखने को मिलेगा? कलर्स में देखने को मिलेगा कि उनका स्किन कलर डिफरेंट होगा, उनका बात करने का तरीका अलग होगा, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, और ये सारी चीज़ें हो गई कि आपके नेशंस का फ़र्क पड़ रहा है आप पे। ठीक है, उन बच्चों का बेसिकली क्या होता है, हमारी जो स्कूल्स की पॉलिसीज़ है एजुकेशन के लिए, वो ये है कि जो फर्स्ट बच्चे को फर्स्ट एजुकेशन दी जाए, उसकी मदर जो एजुकेशन दी जाए वो किस में हो, उसकी मदर टंग में हो। ठीक है, तो यहाँ के बच्चे क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे इंग्लिश में उनको टीच किया जाता है, और ऐसे ही अगर आप तेलुगू साइड्स और चेन्नई साइड चले जाओ, वहाँ पे तमिल और तेलुगू में टीच किया जाता है क्योंकि उनकी मदर टंग वो है, तो वहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट देखने को मिलते हैं। अगर वो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए या बाद में यहाँ पे आते हैं तो उनको हिंदी नहीं आती है, उनकी हिंदी काफ़ी वीक होती है, तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम आती है सीखने में। तो ये क्या हुआ, आपके नेशंस के अकॉर्डिंग आप में डिफरेंसेस आ गए। हर कोई अपने राष्ट्र के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। जैसे गुजरात चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादातर गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं और वहाँ पे गुजराती फूड खाते हैं, तो वो वहाँ पे डिफरेंट हो गए। गुजराती जो उनका पहनावा होता है वो डिफरेंट होता है, तो वो वहाँ पे डिफरेंट हो गए। और जाति आपको कैसे फ़र्क करती है, जैसे कुछ बच्चे काफ़ी जैसे शर्माज होते हैं और काफ़ी सुपीरियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज़ को बहुत नीचे रखा गया है, लाइक एससी एसटी ओबीसी वाले बच्चे, तो उनको क्या है, उनको इन्फीरियर माना जाता है, उनको पिछड़ा हुआ माना जाता है, तो वहाँ पर भी उनकी हर चीज़ में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी फैसिलिटीज़ इतनी प्रोवाइड नहीं कराई जाती, उनको एजुकेशन इतनी नहीं मिलती है, और वो बाकी बच्चों के साथ इतना घुल मिल नहीं पाते, उनकी हेजिटेशन दूर नहीं होती है, तो उस वे में भी क्या है आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, अकाउंट ऑफ सेक्स, यानी कि लैंगिक आधार पे विभिन्नता है। अब आपको पता ही है हर कोई अपने आप में जब इंडिविजुअल है तो हमारे यहाँ पे कैसे कैटेगरीज डिवाइडेड है कि कोई मेल है फीमेल है, और जो ये वाली कैटेगरी डिवाइड है तो उसमें क्या होता है, मेल्स की अपनी कैटेगरीज होती है, फीमेल्स की अपनी होती है, तो इसीलिए जो जो बच्चे के लैंगिक आधार पे जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो इंटरेस्ट होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपने छोटेपन में खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा और आप अपने बच्चों को भी देखते होंगे कि जो बॉयज़ चाइल्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं कि उनको कोई टॉय दे दो तो उनको तोड़ मड़ोड़ देते हैं, और रिमोट्स के सेल निकाल देते हैं, मशीनरी करते हैं, उनको इंजीनियर गिरी दिखाते हैं उसमें, या फिर तोड़ मड़ोड़ के उसको दोबारा से जोड़ना है, डिस्कवरी करते हैं किसी ना किसी नई चीज़ की, कुछ ना कुछ इवेंट करने के लिए ट्राई करते हैं, तो वो सारे क्या होता है बॉयज़ चाइल्ड में क्वालिटीज़ होती हैं। और ऐसे ही आप गर्ल्स चाइल्ड को देखेंगे तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ पाई जाती है कि वो घर घर खेलती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, वो खाना घर और ये सारी वैरायटीज़ कलेक्ट करती है, तो वो वाले क्या है उनका इंटरेस्ट क्या है डिफरेंट हो जाएगा उनके सेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए जो लैंगिक आधार है, जो आपका काउंट ऑफ सेक्स है बॉयज़ का गर्ल्स का, उनके अकॉर्डिंग क्या है आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हर चीज़ में, क्या वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग हो, किसी एक पॉइंट में उनकी अगर एटीट्यूड मान लीजिए आपका दृष्टिकोण देखा जाए कि आपका इसके प्रति एटीट्यूड क्या है, आप उसके लिए क्या विचारधाराएँ रखेंगे, शायद वो भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है आपका इमोशनल डिफरेंसेस, यानी कि संवेगात्मक विभिन्नता है। इसमें क्या होता है कि हर बच्चा अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग भी क्या डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि अगर एक जैसे इमोशंस किसी दो बच्चे के अंदर हैं तो हो सकता है कि कोई बच्चा उसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेता हो, लेकिन कोई बच्चा दूसरा उसको बहुत जल्दी कंट्रोल ना कर पा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लासरूम टीचिंग के अंदर अगर आप कोई चीज़ टीच कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के टूवर्ड्स, तो उसमें क्या होगा, किसी बच्चे को अपना पुराना कोई इंसिडेंट याद आ गया, तो अगर उसके अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्वालिटी नहीं है तो वो एकदम से क्लासरूम में क्या है फुट फुट के रोना शुरू कर देगा, ताकि जिससे क्या होगा बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, टीचर भी डिस्टर्ब होगी अपनी टीचिंग में,
तो हो, और दूसरा बच्चा कैसा हो सकता है कि अगर सेम कंडीशन किसी दूसरे बच्चे के साथ हो, शायद वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले या ये सोचे ये चीज़ कि मैं अभी क्लासरूम में हूँ, अभी ये चीज़ वहाँ पे शो नहीं कर सकता हूँ, तो उठकर शायद वॉशरूम में चला जाए या फिर बाद में वो चीज़ फील करें। तो ये सारे क्या होते हैं, सबके अंदर इमोशनल डिफरेंसेस भी अलग अलग होते हैं। आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हो। हर किसी की जैसे चॉइसेस अलग होती है ना, हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। किसी को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो अगर किसी को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर उसके सामने एकदम से चॉकलेट्स लेकर आओगे आप, तो वो एकदम खुशी के मारे उछल के पड़ेंगे कि हाँ मेरे को चॉकलेट मिल गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, इस टाइप का आपने वहाँ पे इमोशंस दिखा दिए, खुशी जाहिर कर दी। और जिसको चॉकलेट बिल्कुल नहीं पसंद, उसके सामने चॉकलेट ले जाओगे तो वो मुंह बना के भाग जाएगा। तो उसने वहाँ पे क्या, वहाँ पे अपने इमोशंस जाहिर कर दिए। तो इसीलिए हर बच्चा अपने आप में इमोशनली भी डिफरेंट होता है। आपको नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए अपने लिए अच्छे इमोशंस रख सकता है, कब कहाँ कंट्रोल कर सकता है, कब कहाँ कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट है हमारा अचीवमेंट डिफरेंसेस, यानी कि उपलब्धि में विभिन्नता। अब जैसे जैसे बच्चे को अचीवमेंट मिलती रहती है, क्या है वो क्लासरूम के अंदर हो कि आपने आज सेम चीज़ में 10 मार्क्स गेन किए, कल आपने दोबारा टेस्ट दिया तो आपको 40 मार्क्स मिल गए, तो वो एक तरह की आपकी अचीवमेंट्स हुई। सबकी क्या अचीवमेंट्स अलग होंगी, सबकी प्रगतिज़ अलग होंगी। कोई कहीं पर ज़्यादा स्टैंड कर रहा है, कोई कहीं पर ज़्यादा स्टैंड कर रहा है, तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो सबकी क्या है उसी अकॉर्डिंग अपनी अचीवमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट डिफरेंट, यानी कि रुचि में विभिन्नता। अब इसमें आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि हर किसी का क्या है इंटरेस्ट अलग होता है। मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है तो मैं टीचिंग कर रही हूँ, लेकिन किसी का हो सकता है कुछ और किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, कि उसको म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो सिंगिंग कर रहा है, किसी का डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो डांसिंग कर सकता है। तो ये क्या हो गए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। ज़रूरी नहीं ना कि एक फैमिली के बंदे एक जैसा ही काम करें। अगर एक फैमिली में चार बंदे हैं तो ये नहीं कि मॉम डैड डॉक्टर है तो बच्चे भी डॉक्टर ही बने, पूरी फैमिली को डॉक्टर बना दो। हो सकता है ना कि वहाँ पे उनके जो इंटरेस्ट है वो अलग हो। बच्चे को शायद गिटार प्ले करना है तो वो उस फील्ड में जा सकता है, लड़की को कुछ और करना है, आईएएस बनना है तो वो उस फील्ड में जा सकती है। तो इसीलिए हर कोई बंदा क्या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी अपने आप में डिफरेंशिएट रखता है। वो क्या होता है उसकी चॉइसेस और उसके एटीट्यूड पे जो डिपेंड होती है इंटरेस्ट जो बच्चे का, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट आता है आपका बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर आपको पता ही है, हमारी सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, आपके आस पड़ोसी रहते हैं, तो आपको पता ही है कि जो आर्थिक स्थिति होती है सबकी अलग अलग होती है। आपसे ज़्यादा भी रिच आपके पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन आपसे कम भी आपके पड़ोसी हो सकते हैं। तो इसीलिए जब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाती है आर्थिक स्थिति, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा रिच फैमिलीज से बिलोंग करते हैं या काफ़ी ज़्यादा मनी है उनके, इकोनॉमिकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उनके बच्चे भी क्या है उसी रूप में डेवलप्ड होते चले जाते हैं। क्योंकि उनको स्टार्टिंग से क्या है सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी जाती हैं। अगर उनको आगे चल के स्टडीज़ में कुछ अच्छा नहीं भी मिल रहा है तो पापा मामा बोल देते हैं कि चल ठीक है, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लो, इंटरेस्ट कर लो, ऐश करो, बाद में जाके बिजनेस करवा देंगे आपको। तो वहाँ पर ये चीज़ फ़र्क को मिलता है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है कि हाँ घर है रहने के लिए, आने जाने के लिए कहीं एक नॉर्मल सी गाड़ी है, उतना ही कैश आता है जितनी की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं है कि अकाउंट भरे हुए हैं, तो वो क्या है पूरा टाइम स्ट्रगल करते हैं कि पढ़ाई में हम बहुत अच्छे निकल जाए ताकि आगे जाके हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो, स्ट्रगल ना करना पड़े, या मेरी आगे की फील्ड काफ़ी अच्छी हो कि मैं आगे बहुत अच्छा अचीव कर सकूँ लाइफ में, पैसा अच्छा हो, जॉब अच्छी हो, फैसिलिटीज़ अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फ़र्क करती है, जिसमें बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल हो जाता है। क्योंकि अगर कोई इसी रूप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अगर रिच बन जाता है तो वो वहाँ पे क्या है अपने आप को डेवलप कर देता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन मेहनत के बाद क्या है आज वो इस चीज़ पर स्टैंड करता है कि वो काफ़ी रिच है, ठीक है। तो ये भी क्या है अपने आप में एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है पर्सनालिटी डिफरेंसेस। हर किसी बंदे की क्या है पर्सनालिटी अलग होती है। आप सबसे पहले पर्सनालिटी को कैसे जज करते हो,
अगर आपके सामने से कोई बंदा आ रहा है तो आप उसको कैसे जज करोगे? सबसे पहले तो उसके पहनने के पहनावे से ही करोगे कि उसने किस टाइप के कपड़े पहने हैं, उसका स्टाइल क्या है, चलने का, बात करने का स्टाइल कैसे, आप उसको पूरा ऑब्जर्व करोगे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो वो क्या हो गई, पर्सनैलिटी हो गई। उसमें आपको हर कोई बंदा बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, किसी का वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा, किसी का कुछ अलग होगा, कोई बहुत अच्छे। आपने कुछ बंदे ऐसे भी देखे होंगे लाइक कि आपको सामने से तो बहुत अच्छे फील हो रहा होगा कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, कि बिल्कुल ड्रेसअप बड़ा अच्छा किया हुआ है, हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है, या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि एकदम से मुंह खोलता है या बात करता है, तो आपको पता चल जाता है कि वो इतना एजुकेटेड नहीं है जितना पर्सनालिटी वाइज लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो सारे आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो अब इसके अंदर हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिस्कस कर लिए कि हर कोई बंदा क्या है, हर एक बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल होता है, वो किस किन रीज़न से हो सकता है। वो ये सारे पॉइंट्स थे आपके 10 पॉइंट डिस्कस किए कि हर कोई बंदा जो है इन इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप में डिफरेंशिएट रखता है, जो अपनी सोसाइटी के अंदर आपने हर किसी में देखे होंगे, खुद में भी देखे होंगे, अपने ब्रदर सिस्टर और फैमिली के अंदर भी। आपने अगर 6 बंदे हैं तो 6 के 6 बंदों में आपने डिफरेंसेस देखे होंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे उनके इंटरेस्ट हो, मनी से रिलेटेड हो, बोलने से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि कारण क्या हैं। अब हमने ये तो बात कर ली थी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे के अंदर, टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, 10 टाइप के हमने वो डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कारण क्या होते हैं। अब जो बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, मैं ऐसी हूँ, मेरा भाई मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है, मेरी मम्मा मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा कोई दूसरा भाई मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसके कारण क्या हैं। अगर हम हमारे मॉम डैड, मेरे भाई बहन के, हम जितने भी ब्रदर सिस्टर हैं आपस में, हम तीनों चारों के अगर मॉम डैड सेम हैं, तो हमारे अंदर शायद क्वालिटीज़ भी सेम आनी चाहिए थी ना। सोचने वाली बात है कि अगर हम आपके भी खुद के, अगर आप 2 सिस्टर्स हो, ब्रदर्स हो, या फिर कितने भी भाई बहन हो, तो आप सोचते होंगे कि हम तो एक ही मॉम डैड के हैं, फिर हमारे अंदर हम इतने डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं आपस में, हमारी शक्लें सेम क्यों नहीं है, शक्लें छोड़ो बाकी चीज़ें क्यों नहीं मिलती जुलती, सोचने का तरीका, बाकी चीज़ें क्यों नहीं मिलती, उसके कारण क्या है। अब वो बात पे, उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आपका जो कारण रखा गया है वो है वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी। देखिए, हेरिडिटी होती है कि जब आप वो जो क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से बाय बर्थ लेके आते हो, वो होती है हेरिडिटी। अब आप क्या चीज़ें बाय बर्थ लेकर आते हो अपने पेरेंट्स से, अपना कलर लेकर आते हो, अपनी हाइट लेकर आते हो, अपने बालों का कलर लेके आते हो, आई कलर लेकर आते हो, और अपना इंटेलिजेंस लेवल लेकर आते हो, IQ लेवल जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, आप हेरिडिटी और जीन्स के अकॉर्डिंग बाय बर्थ लेकर आते हो। अब आप सोचो कि आप चलो बाय बर्थ लेकर आते हो ये सारी चीज़ें, तो आपके भाई में सेम चीज़ें क्यों नहीं है, वो भी तो बाय बर्थ आपकी मम्मा से वैसे ही लेकर आया होगा, और आपकी सिस्टर भी वैसी क्यों नहीं है आपकी तरह, वो भी सारी चीज़ें बाय बर्थ अपने मम्मा से ऐसे ही लेकर आई होगी। तो इसीलिए नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि जब आपकी मम्मा की या मेरी मम्मा की या किसी भी लेडी की प्रेगनेंसी टाइम रहा होगा, तो वो हर सिचुएशन हर टाइम पर सेम चीज़ें खाती होगी? ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर बार संतरे ही खाएगी, सेब ही खाएगी। हो सकता है आज मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं आज ये खाऊंगी, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो हर बार क्या है सेम चीज़ें सेम ही देखेंगी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग अलग चीज़ें देख रही हों, आज मेरा ये मन है, इस साल मैं ये देख रही हूँ, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब आपके ब्रदर की प्रेगनेंसी के टाइम पे रही होगी तो मेरा शायद कुछ कुछ होता है देखने का, मूवी मन करा होगा तो मैंने वो चीज़ देखी होगी। तो उन सब चीज़ों का भी क्या है, फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि सबकी नॉर्मल डिलीवरी रही हो, किसी की अबनॉर्मल डिलीवरी का सिचुएशन भी आई हो, ऑपरेशन से हुआ हो, या फिर कुछ
जो कंडीशन ऐसी हो गई होगी क्रिटिकल कि बहुत ज़्यादा किसी को मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो गया होगा किसी के साथ कि कोई दिमाग में चोट आ गई होगी तो उसका असर बच्चे पे पड़ा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है मदर के साथ कि वो उस प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही होगी, उसको टाइफाइड हो गया होगा, मलेरिया डेंगू हो गया होगा प्रेगनेंसी टाइम पर, जिसका फ़र्क बच्चे के ऊपर पड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने का कारण है, क्योंकि हर टाइम प्रेगनेंसी के टाइम भी सारी सिचुएशन सारी कंडीशंस क्या हैं अलग नहीं रहती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक ही मदर के अकॉर्डिंग एक बच्चा नॉर्मल होता है और एक ना अब नॉर्मल होता है, तो उसके रीजंस क्या हैं, उसके रीजंस यही हैं कि शायद जो नॉर्मल बच्चा है उसकी टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल रही हो, सब चीज़ें बहुत अच्छी से रही हो, मदर ने अपना पूरा अच्छे से ध्यान दिया हो, खाया पिया टाइम से हो, हेल्दी चीज़ें देखी हो, हेल्दी चीज़ें खाई हो और ज़्यादा काम ना किया हो, एक्सरसाइज प्रॉपर करी हो, ये सारी चीज़ें क्या उसके लिए नॉर्मल रही। लेकिन अब नॉर्मल टाइम पर शायद हो सकता है कि खाने पीने को अच्छा ना मिला हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिससे वो डिप्रेस्ड हो, जिसका फ़र्क बच्चे पे पड़ा, और उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के साथ जब वो रही मतलब प्रेगनेंसी टाइम होगा तो कुछ सी एक सिचुएशन में किसी बीमारी से ग्रसित होगी, मतलब उसको कोई गंभीर रोग लग गया होगा जिसका असर बच्चे पे पड़ा और वो अब नॉर्मल हुआ। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको हेरिडिटी के अकॉर्डिंग यानी कि बाय बर्थ के अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने का क्या हो गया, आपकी हेरिडिटी यानी कि आपका वंशानुक्रम जो आप अपने बाय बर्थ अपने पेरेंट्स से लेकर आते हो। उसके बाद सेकंड आता है आपका वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट। अब वातावरण और एनवायरनमेंट से क्या मतलब है कि जब आप पैदा हो जाते हो, बच्चा पैदा हो जाता है, तो आपको जो आपके चारों ओर बच्चे को घेरे रखता है वो क्या चीज़ होती है, वो आपका एनवायरनमेंट होता है, आपका वातावरण होता है, घर का वातावरण, सोसाइटी का वातावरण, स्कूल का वातावरण, आप कहीं और चले जाते हो उस चीज़ का वातावरण। वातावरण होता क्या है, जो आपको चारों तरफ से किसी भी चीज़ से घेरा रहे। अब उसके अंदर कुछ भी चीज़ें हो सकती है, वो आपको प्रॉपर हवा हो सकती है, धूप हो सकती है, किसी भी चीज़ की इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन स्थिति हो सकती है, जैसे भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके आसपास जो जीव जंतु रहते हैं वो चीज़ें हो सकती हैं, आपके आसपास जो आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं आपको, अपने एनवायरनमेंट में यानी कि वातावरण में। वो चीज़ भी आपके इंडिविजुअल होने का एक कारण है। वो क्यों है, क्योंकि जैसे बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद सबसे पहला इंट्रैक्शन उसका किससे होता है, अपनी फैमिली से होता है, उसके बाद क्या करता है उसकी सोसाइटी से होता है, देन वो स्कूल में जाता है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, बाकी चीज़ों से इंट्रैक्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेकर आ सकता है। अगर मैं इस हो सकता है ना कि कोई बच्चा मान लीजिए तमिल फैमिली में जन्म लिया हो तो उसको कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसके नेशन और उसकी जाति के अकॉर्डिंग का मिलेगा, वहाँ का खान पान, पहनना ओढ़ना, बात करने का तरीका उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो वो क्या है वैसा ही डेवलप होता चला जाएगा। हो सकता है जैसे दिल्ली के बच्चे हैं उनका फैमिली एनवायरनमेंट अलग होता है, पंजाबी फैमिलीज़ का एनवायरनमेंट अलग होता है, गुजराती फैमिलीज़ का अलग होता है। तो ये सारे क्या हैं डिफरेंसेस हैं जो आपको आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं। आप जैसे शायद हो सकता है कि कुछ फैमिलीज़ बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही हो जहाँ की बहुत सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हो, डेवलप हो, साफ़ सुथरी हो और पढ़े लिखे लोग रहते हो, तो उससे क्या है बच्चा किसी भी प्रकार की बीमारी उसको नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा, और बाकी अगर एजुकेटेड फैमिली के साथ इंट्रैक्ट करेगा तो एजुकेशन में भी अच्छा रहेगा। और उसी के अपोजिट हो सकता है कुछ फैमिलीज ऐसे रह रही हो कि हट्स में जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वहाँ पर रह रही हो, दो वक्त का खाना
भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रहा हो, ज़्यादा एजुकेटेड पीपल ना हो आसपास और आसपास काफ़ी गंदगी हो, तो वो क्या है उतनी ज़्यादा बीमारी लेकर अपने घर में आते हैं और खाना टाइम पे नहीं मिल पाता, मजदूरी करने लग जाते हैं तो एजुकेशन से नहीं जुड़े होते, तो वो सारे किस्में डिफरेंसेस आ गए देखने को बच्चे के अंदर। क्योंकि बच्चा भी जैसा आप एनवायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे, बच्चा भी क्या है वैसा ही ढलता चला जाता है, वैसा ही बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर के अंदर एक बेस्ट एनवायरनमेंट क्या है बच्चे को प्रोवाइड कराया जाए ताकि उसका जो डेवलपमेंट हो वो भी अच्छा हो। लेकिन फिर उसके बाद सेकंड, जब बच्चा स्कूल में आता है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टीचर उसको अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए जो वेल एजुकेटेड हो, वेल मैनर्ड हो, तो ताकि बच्चा वैसा ही डेवलप हो। ठीक है, एनवायरनमेंट वाला पॉइंट समझ आ गया। अब उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट एंड नेशन, यानी कि जाति और राष्ट्र में विभिन्नता। इसमें भी देखा जाता है कि जाति और राष्ट्र का क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी जैसे बात करी कि कोई तेलुगु फैमिली से होगा, कोई गुजराती फैमिली से होगा, तो बच्चा क्या है वैसा ही डेवलप होगा। जैसी उसका एनवायरमेंट आप दोगे, जैसी उसकी जाति या राष्ट्र या इकोनॉमिकली कंडीशन होगी, बच्चा उसी चीज़ को अचीव करेगा। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप पैदा तो गुजराती फैमिलीज में हुए हो लेकिन आपके अंदर वैल्यूज क्या है पंजाबी फैमिली वालीज आ जाए, आपके अंदर लैंग्वेज पंजाबी वाली आ जाए, आपके पास मैनर्स वैसी आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसी आप फैमिली में पैदा हुई हो, जैसी आपकी कास्ट है, आपका नेशन है, आप जैसे नेशंस के अकॉर्डिंग सब डिफरेंट होते हैं कि हिंदुस्तान के लोग अपने संस्कारों में अलग हैं, अपने मान्यताओं में अलग हैं, उनके अंदर एथिक्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं और पहनावा एक ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट होती है। ऐसे आप फॉरेनर्स कंट्रीज़ में चले जाओ, वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट हो गई, वहाँ पर लोग कुछ भी पहन के निकल देते हैं, लड़कियाँ बिकनी पहन के रोड पर निकल देती हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट वैसा है। तो इसीलिए क्या है हर कोई अपने नेशन के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट होता है, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चे पे देखने को मिलता है, एक रीज़न ये भी है। उसके बाद फोर्थ रीज़न आता है हमारा सेक्स डिफरेंसेस, यानी कि लैंगिक विभिन्नता। अब लैंगिक विभिन्नता में क्या आता है, सेक्स डिफरेंसेस मैंने जैसे आपको बताया कि जो गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं या फिर किन्नर होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि सब अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ देखने को मिलती है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे गर्ल्स होती हैं तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग काम होंगे, उनका इंटरेस्ट उस अकॉर्डिंग होगा, उनकी वैल्यूज़ उस अकॉर्डिंग होगी। जैसे गर्ल्स को ऑलवेज सिखाया जाता है कि अगर आप आपको फ्रीडम दी जा रही है, आप कहीं पर कुछ अचीव कर रहे हो तो वो चीज़ तो करो, लेकिन उसी के साथ साथ आपको वैल्यूज़ भी सीखने हैं, सबको संस्कार, अच्छे संस्कार आने चाहिए और बाकी घर का काम आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लड़कों से डिफरेंट हो जाती है क्योंकि लड़कों के साथ ये वाले रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। लड़कों को वैल्यूज़ और ये सब चीज़ें तो सिखाई जाती है लेकिन उनके लिए खाना बनाना, घर के काम करना, ये वाली चीज़ें क्या है कंपलसरी नहीं रखी जाती, वो सिर्फ उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रखी जाती है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। लेकिन लड़कियों के लिए क्या होता है कि ये सारी चीज़ें कंपलसरी कर दी जाती है कि आपको ये सारी चीज़ें तो सीखनी है कि आप एजुकेशन ले रहे हो या बहुत अच्छा एजुकेशन में अचीव कर रहे हो, अपने करियर में कहीं सेट हो रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको घर भी देखकर चलना है क्योंकि शादी करोगे फिर उसके बाद बच्चे, ये तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या हुआ कि सेक्स डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि जैसे लड़कियां होती हैं वैसे उनका डेवलपमेंट होता है, बॉयज़ का अलग होता है, ऐसे ही जैसे किन्नर होते हैं उनकी सोसाइटी अलग हो गई, उनका समाज अलग हो गया, उनके बोलने का तरीका, रहन सहन का तरीका वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये सारे किस पे आपको प्रभाव करते हैं, आपके जो सेक्स डिफरेंसेस हैं ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपके इंडिविजुअल होने में। ठीक है, जो आपको हेरिडिटी और जीन्स के अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स से बाय बर्थ मिलती है। उसके बाद आता है आपका आयु व बुद्धि, यानी कि एज और इंटेलिजेंस। अब हर एक बंदा क्या है अपनी एज में भी डिफरेंट होता है। अब जैसे आप हैं,
आप अभी 18 इयर्स के हैं या 20 इयर्स के हैं और आपके घर में दादा दादी हैं, तो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वो हर चीज़ में क्या है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे लाइफ की चीज़ों में भी, खाना बनाने में भी, पहनने ओढ़ने में भी, संस्कारों में भी, बातों में भी, मैच्योरिटी में भी, इन सब में क्या होगा, डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कोई काम शायद आप बहुत अच्छे से ना कर पाओ, लेकिन वो बिना एजुकेटेड हुए हुए भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस काम को शायद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एज डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से जो एज के अकॉर्डिंग जो गेन किया जाता है अपना एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट हो सकते हो कि आप अलग हो, आपके जो ब्रदर सिस्टर है आप उनसे डिफरेंट होते हो एज में, 2-3 साल का फ़र्क होता है, तो आपका इंटेलिजेंस लेवल शायद उतना ही हाई हो सकता है, आपकी वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा हो सकती है, आप अपने छोटे भाई बहनों को सिखा सकते हो कि कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, वैल्यूज़ करनी है, कैसे आपको कब बिहेव करना है, क्या बिहेव नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करती है, आपकी एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट करती है, जो एक पॉइंट है आपको बाकी लोगों से अलग करने का, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। मैंने आपको बताया ही था अभी जब पहले भी हमने टाइप डिस्कस किए थे कि इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग यानी कि आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग भी क्या है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। कोई हो सकता है कि नॉर्मल बच्चा हो जिसका 70 से 90 वाला हो, कोई बहुत सुपीरियर हो सकता है जिसका 120 और एबव वाला इंटेलिजेंस लेवल हो, कोई बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नीचे है उसका आईक्यू लेवल, ये 0 से 20 हो गया, ये 40-50 हो गया, तो उसका क्या है, सीखने की दर या स्थिति उतनी होगी जितना उसका आईक्यू लेवल है। तो आईक्यू लेवल भी हमें कहाँ से मिलता है, हमारी हेरिडिटी और जीन्स के अकॉर्डिंग हमें बाय बर्थ मिलता है हमारा एज और इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। अब आपको मैच्योरिटी बाकी बच्चों से कैसे इफेक्ट करती है, देखो यहाँ पे जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये सारे कॉजेज हैं कि कारण हैं, आप क्यों दूसरे बंदे से डिफरेंट हो उसके कारण है। उसमें एक कारण ये भी है मैच्योरिटी लेवल, जो आपके घर में हो सकता है कि आप 4-5 लोग हो घर में, 5-6 जितनी भी आपकी नंबर ऑफ़ फैमिलीज हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन्स हो आप घर में, तो वहाँ पे क्या होगा, हर किसी की मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट होगी। आपसे जितने भी बड़े भाई बहन हैं उनकी मैच्योरिटी अलग होगी, उनकी एज के अकॉर्डिंग होगी, तो वो आपसे क्या होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए हर चीज़ में, ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है वो चीज़ बता सकते हैं, देख सकते हैं, हर चीज़ को एक कंडीशन में ढाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या है काम कर सकते हैं। तो इसीलिए एक मैच्योरिटी भी यानी कि परिपक्वता भी बाकी बच्चों से आपको डिफरेंट कर सकती है। अगर आप स्कूल में भी 10th क्लास में हो और 6th क्लास के बच्चे आपसे इंटरेक्ट करें, तो वहाँ पे क्या डिफरेंट आ गया, 6th क्लास का बच्चा आपसे कितना छोटा है, 3 या 4 साल, सीधा 4 साल छोटा हो गया कि आप 10th क्लास में हो, तो आपका क्या मैच्योरिटी लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा। आप जैसे छोटे बच्चे हैं किसी भी चीज़ के लिए जिद कर सकते हैं कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, नहीं मुझे यही करना है, वो चीज़ आप तो नहीं करोगे ना 10th क्लास में, क्यों, क्योंकि आप अपनी एज में ऊपर आ गए हो, अपने लेवल में ऊपर आ गए हो, अपने इंटेलिजेंस में ऊपर आ गए हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे, तो बोलते हैं ना बचकाना हरकतें कर रहा है कि बचपन नहीं गया इसका, मेच्योरिटी नहीं है, बचपन अभी है, बचकाना हरकतें कर रहा है जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, आपकी मेच्योरिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो आपको पता होता है कि वहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बात करनी है, किस चीज़ को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको हैंडल करना है, ठीक है। ये आपके 6 पॉइंट्स हैं आपके कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण क्या होते हैं, जो आपके रीजंस थे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें किन किन रीजन से देखने को मिलता है। तो ये सारे डिस्कस कर लिए, आपको पता चल गया आपकी किन किन रीजन से हमारे सबके अंदर क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो हम हर किसी से अलग होते हैं। अब जो इसके वाला नेक्स्ट टॉपिक अभी हम करेंगे उसमें बात करेंगे कि इनको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब हमें ये सारे कारण टाइप तो पता चल ही गए कि इन इन कारणों से बच्चा इंडिविजुअल होता है, लेकिन हम पता कैसे लगाएं कि कैसे इंडिविजुअल है, कैसे डिफरेंट है। हम शक्ल सूरत तो देख के पता चला ही सकते हैं कि हाँ ठीक है आपकी शक्ल अलग है, मेरी शक्ल अलग है तो हम डिफरेंट हो गए, आपका कलर अलग है मेरा अलग है तो हम डिफरेंट हो गए, लेकिन जो बेसिक सी चीज़ है कि इंटेलिजेंस अलग है वो कैसे टेस्ट करें, आपका एप्टीट्यूड अलग है वो कैसे टेस्ट करें।